क्या यार, एक तो बारिश तो रोड खराब कर दे, ऊपर से एक कैब वाले भैया इतना लेट आए। बेबी तुम परेशान मत हो, अब हम बैठ गए ना गाड़ी में। अरे मैडम, वो थोड़ा ट्रैफिक के चक्कर में मैं लेट हो गया, आप OTP बताना। अरे निहारिका, तुम यहाँ? अरे आप कौन हो और आप मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे निहारिका देखो ध्यान से, मैं तुम्हारा पति हूँ सौरभ। क्या मेरे पति? ये क्या समझ आप कर रहे हो, आप पागल हो? निहारिका ध्यान से देखो, क्या तुम मुझे नहीं जानती? अरे 5 साल पहले हमारी शादी हुई थी, हमारे 2 बच्चे हैं और तुम मुझे पहचानने से मना कर रही हो। पागल हो गए हो क्या? बच्चे और मेरी शादी तुमसे कब हुई? बेवकूफ हो क्या? मेरा स्टैंडर्ड देखो और अपना स्टैंडर्ड देखो, बदतमीज। निहारिका ये है कौन? क्या यही है वो तुम्हारी दोस्त जिसका बहाना करके तुम रोज घर से जाती थी? ये क्या बकवास कर रहा है, और ये तुम्हारा नाम कैसे जानता है? अरे मैंने भी कैब बुक की थी ना, तो उसमें मेरा नाम आया होगा, इसीलिए बोल रहे हैं बेवकूफ। कोई कैब वाले, अपनी ये बकवास बंद कर। आई बात समझ में? इस दुनिया में 100 लोग होते हैं जिनकी शक्ल एक जैसी होती है। हो सकता है इसकी शक्ल भी तेरी बीवी से मिलती हो, लेकिन ये मेरी गर्लफ्रेंड है निहारिका, तेरी कोई बीवी भी नहीं है। आई बात समझ में? इसे तो अपना काम कर और जहाँ में जाना वहाँ लेके जा। निहारिका यार बार बार ना घर से कॉल आ रहा है, कहीं कोई इमरजेंसी ना हो। एक काम करता हूँ, मैं एक बार अटेंड कर लेता हूँ इसे। भैया आप गाड़ी रोकना साइड में, और सुनो अगर ये कुछ बदतमीजी करे ना तो जब मैं आऊँ तो मुझे जरूर बताना। चले बेबी, चलो भैया। हेलो, क्या मेरी बात सौरभ जी से हो रही है? हाँ जी सर, लेकिन आप कौन बोल रहे हो? सर मैं लकी ड्रॉ कंपनी से मुकेश बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, एक्चुअली आपकी जो आपका जो नंबर है वो लकी ड्रॉ में सेलेक्ट हुआ है और आपको 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी सर, मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। सर आप कोई मजाक वजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं सर, मैं बिल्कुल कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुबारक हो, आप करोड़पति बन गए हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेरे को इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे जब आपको ये क्लेम करना पड़ेगा, जब आप ये क्लेम करेंगे, तो इसलिए आप मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी, वो आप दे सकते हैं? हाँ जी सर, हाँ जी, जो जो चाहिए आपको वो बता दीजिए। सर मुझे आप अपने अकाउंट डिटेल दे दीजिए और अपनी फैमिली डिटेल दे दीजिए। हाँ सर अभी दे देता हूँ, मैं अपना अकाउंट नंबर आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, बट मेरी फैमिली में तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? ऐसे कैसे कोई नहीं है? हेलो, हाँ जी मैम, आप कौन? मैं इनकी वाइफ बोल रही हूँ। हाँ जी, आप मेरी डिटेल्स ले लीजिए। ऐसे कैसे? तुम तो कह रही थी तुमसे जानती भी नहीं, अब अचानक तुम इसकी पत्नी हो गई? हाँ हाँ, वो मेरा पति है, और मेरी ना आंखें बंद हो गई थी, हम मेरी आंखें खुल गई है और मुझे पता चल गया कि मेरा पति ही मेरे लिए सब कुछ है। तो अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना अब। तब ये बात आ गई, जैसे तुम्हारे पति को 2 करोड़ की लॉटरी क्या लगी, तुमने इतनी जल्दी रंग बदल लिया? अरे इतनी जल्दी तो क्रिकेट भी रंग नहीं बदलते जितनी जल्दी तुमने बदल लिए। अब तक तुम सिर्फ इसको धोखा देते आई हो और अब तुम मुझे भी धोखा दे रही हो, सिर्फ किस लिए? पैसों के लिए? अरे तुम पैसों की लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हें अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रहा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि तुम इतनी गिरी हुई लड़की निकलोगी। क्योंकि मैं ना तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में ना बहुत जल्दी फंस गई थी, और अब मुझे अच्छे से पता चल गया कि कौन मेरे लिए सही है और कौन मेरे लिए गलत है। तो अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और आज के बाद ना अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। चलो भैया आपका फोन आ रहा है। अरे भैया ये तो उन्हीं का नंबर है लॉटरी वालों का, अभी बात करता हूँ। हेलो, हेलो भैया। हाँ जी भैया, आपकी कोई लॉटरी नहीं लगी है, एक्चुअली ना हमसे गलत कॉल लग गई थी, आपकी कोई लॉटरी नहीं लगी। अरे भैया क्या बात कर रहे हो अब? अरे निहारिका तुम सुन रही हो, ये क्या कह रहा है कि हमारी कोई लॉटरी नहीं लगी है? क्या बात कर रहे हो सौरभ, अभी तो इनका कॉल आया था और अब 1 मिनट बाद कॉल करके कह रहे कि तुम्हारी कोई लॉटरी नहीं लगी, इसका मतलब हम फिर से गरीब हो गए। सॉरी मुकेश, पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बंद करो माफी का अपना ये ड्रामा, चंद पैसों के लिए पहले तुमने अपने पति को धोखा दिया और बाद में मुझे भी छोड़ के जा रही थी। अरे कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी, ये सब मेरा ही प्लान था। हेलो शिवम भाई, तेरी एक हेल्प चाहिए थी, मैं तुझे एक नंबर भेज रहा हूँ और तुझे उस नंबर पे फोन करके क्या क्या बोलना है वो भी भेज रहा हूँ, ठीक है? तू बस वो काम कर दे, आज किसी का पर्दाफाश करना है। ठीक है ठीक की बातों में मुझे शक तो हो रहा था, ये कैब वाला भला क्यों झूठ बोलेगा, लेकिन मुझे हकीकत जाननी थी इसलिए मैंने ये सब प्लान बनाया, और देखो तुम्हारी हकीकत सामने आ गई। अरे कुछ तो शर्म करो निहारिका,
अब जैसे ही तुम्हें पता चला कि मेरी 2 करोड़ की लॉटरी नहीं लगी है, वैसे ही तुम मुझे भी छोड़ के जा रही थी। अरे कम से कम उन बच्चों का तो ख्याल रखती जो तुमने पैदा किए थे, और आखिरकार उन बच्चों का क्या कसूर जो उन्हें एक ऐसी माँ मिली है। अरे मुझे तो खुद पे शर्म आ रही है कि मैं एक ऐसी बीवी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था जो पल भर में बदल सकती है। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। प्लीज सौरभ मुझे माफ कर दो, मैं अपने ऐशो आराम के चक्कर में बिल्कुल ही अंधी हो गई थी, पता नहीं क्या क्या कर बैठी और अपने बच्चे को भी भूल गई। सौरभ प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मुझसे ऐसी कभी भी कोई गलती नहीं होगी। कि एक बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन फिर जैसे ही तुम्हें पता चला कि मेरी 2 करोड़ की लॉटरी नहीं लगी, तुम फिर से इस लड़के के साथ जाना चाहती थी। तो अब जाना चाहती हो ना तो जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, कल तुम्हारे घर तलाक के कागज पहुंच जाएंगे, चुपचाप साइन कर देना, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। और हाँ, तुम जैसी माँ का साया नहीं पड़ने दूंगा मैं अपने बच्चों पर, जो मिनट में बदल जाती है। मैं खुद अकेला पाल लूंगा उनको। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, और आज के बाद अपनी शक्ल मुझे जिंदगी में मत दिखाना।